तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। तो भाई लोग, मैं आ चुका हूँ कि नए GDA5 एपिसोड के साथ #2। और इसमें हम जो मिशन करने वाले हैं उसका नाम है 3 कंपनी। तो भाई, इसका 3 कंपनी नाम क्यों है आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मुझे जाना है FIV के स्टूडियो नहीं ऑफिस, तो वहाँ चलते हैं फटाफट से। और अगर आप GDA5 में बिगनर हो, अगर आप GDA5 कुछ दिन से ही खेलना शुरू किया है, सो गाइस ये मिशन तो आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। सो गाइस, इसमें जो है ना 3 कंपनी का इसलिए नाम है क्योंकि हम जो है तीनों करेक्टर के साथ खेलेंगे और ये मिशन जो है सबसे ख़तरनाक होने वाला है। तो गाइस, आपने समझ ही गए होंगे आप कौन से 3 करेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। और 3 करेक्टर क्या? माइकल, ट्रेवर, फ्रैंकलिन। सो गाइस, हमने मज़ा आने वाला है, कतई फुल हारने वाले हैं हम 3 करेक्टर के साथ। सो गाइज, मुझे फटाफट से FIV वालों ने बुलाया है। सो किस लिए बुलाया पता नहीं, चल के पता करते हैं। सो गाइज, हम आ चुके हैं FIV के स्टूडियो नहीं ऑफिस, मैं क्या बोल रहा हूँ यार। सो ये है FIV का ऑफिस, इस बार सही बोला, ऑफिस। सो ये काफ़ी बड़ा है भाई यार। तो भाई, हमेशा की तरह मिशन में होगा सुबह, और सुबह होते ही हम चलेंगे और देखते हैं इन्होंने क्या बोला है, क्या मिशन है वो देखते हैं। सो गाइस, सामने आप देख सकते हो 3 बंदे बैठे हुए हैं और उनमें से कोई एक देव है, उनके पास जाके मैं बात करना है। तो चलो गाइस। हे माइकल। हे डेविड। यो, बोलो ब्रो। अच्छा, ओके 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 सर। गाइस, आपको एक नकली ओबामा दिखाऊं यार? देखो यार, नकली ओबामा डेविड। तो गाइस यार, ये लोग बकवास कर रहे हैं, मैं आपको फटाफट स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ का पार्ट को स्किप करते हुए। सो गाइस चलो। सो गाइस, 5 मिनट में प्रवचन सुनने के बाद मैं आ चुका हूँ, और देव ने मुझे जो सिंपली बताया है वो है कि मुझे FIV के स्टेशन जाना है और उधर एक बंदे को टॉर्चर किया जा रहा है, उसको जो है मुझे किडनैप कर लेना है, और किडनैप करके मुझे इनको वापस ला के देना है, इन FIV वालों को। अब ये भी FIV वाले हैं और वो भी FIV वाले हैं, अब इसके पीछे का लोचा क्या है वो आगे पता चलेगा। तो हम लोग तो फटाफट से चलते हैं, और सामने लगी हुई देव की गाड़ी, सो उसमें हम बैठते हैं। और ये बंदा है हमारे साथ जो हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देने वाला है, कुछ बताने वाला है क्या कुछ करना है। और फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं यार। तो चलो गाइस, और मुझे इस मिशन में फ्रैंकलिन और ट्रेवर की भी ज़रूरत पड़ेगी, सो उनको भी बुलाना है। और इनको शायद नहीं पता है फ्रैंकलिन और ट्रेवर के बारे में। सो मुझे बोला जा रहा है गो टू द मीटिंग पॉइंट। सो चलो, हमें पता है ये चीज़, तो फटाफट से हम चल लेते हैं। और गाइस चलो, अच्छा। सो गाइस, इनको फ्रैंकलिन के बारे में पता है भाई। ओके ओके, तो भाई इनको फ्रैंकलिन के बारे में पता, और ये बोला है कि फ्रैंकलिन को भी कॉल कर दो आने के लिए। तो मैंने बोला भाई, जो माइकल ने बोला कि मैं फ्रैंकलिन को जानता नहीं, तो इसने बोला कि मैं जानता हूँ फ्रैंकलिन को और मुझे पता है तुम्हारा वो क्रू है, सो उसे कॉल करो। तो मैंने कॉल कर दिया है फ्रैंकलिन को, और मैं फ्रैंकलिन को बुला लेता हूँ अपने अड्डे पे कि आ जाए फ्रैंकलिन फटाफट से टाइम से पहले। तो चलो गाइस, फ्रैंकलिन देखते हैं क्या बोल रहा है। सो ओके, ठीक है। तो भाई, फ्रैंकलिन तो आने वाला है, फ्रैंकलिन आ चुका है, जल्दी आने वाला है फटाक से, और हमें फटाफट से पहुंचना है। सो हम भी पहुंचे हैं क्या? सो ओके। सो गाइस, हुआ ये है कि इन्होंने ट्रेवर को पहले से बुला रखा है, क्योंकि ट्रेवर ही है जो प्लेन अच्छी उड़ाता है। सो प्लेन उड़ाने के लिए ट्रेवर को बुला रखा है पहले से। अब जो माइकल को ये बात पसंद नहीं आया बिल्कुल भी कि ट्रेवर को क्यों बुलाया, क्योंकि ये ट्रेवर को थोड़ा सनकी समझता है। सो गाइस, इसलिए इसको थोड़ा सा बुरा लगा कि ट्रेवर को क्यों बुलाया, लेकिन आगे चल के सब कुछ फुल सेट हो जाएगा, मज़ा आएगा भाई, ट्रेवर वेवर सबके साथ मज़ा आने वाला है। तो चलो गाइस, हम जल्दी से पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनी पर, और यहाँ से हम पहुँच चुके हैं। मैंने स्किप कर दिया बीच का फालतू पार्ट, सो हम यहाँ पहुँच चुके हैं, और इधर पहले से ही ट्रेवर आ रखा है और माइकल भी आ रखा है भाई। सो आते हैं यहाँ पर और देखो। सो गाइस, ट्रेवर आते ही हमेशा की तरह बहस करना शुरू कर चुका है, और मैं भी आ चुका हूँ। सो अपना फ्रैंकलिन भी इधर ही है, और भाई ट्रेवर भाई धक्के वक्के दे रहा है सबको। सो फ्रैंकलिन भाई If you want to replace some father figure, you can do a lot better than that, all right?
सो भाई जो ये फ्रैंकलिन जो है माइकल है काफ़ी करीबी बंदा है. सो ट्रेवर वही बोल रहा है कि भाई तुम्हारा जो फ्रैंकलिन है भाई बेटे जैसा. सो यार कोई दिक्कत नहीं है भाई, फ्रैंकलिन यार अच्छा बंदा है, अभी नया बंदा है, सब कुछ सीख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. ट्रेवर तो भाई बुढ़ा हो चुका है, लेकिन भाई ट्रेवर बहुत ही बैड एस बंदा है भाई, कुछ भी कर सकता है ये ट्रेवर. लेकिन ट्रेवर भाई अपना भी बढ़िया दोस्त है, पुराना दोस्त है, तो कोई दिक्कत वाली बात ऐसा है नहीं. ओके तो चलो, सबको अपना अपना काम मिल चुका है. अरे भाई ये क्या पहन के आ गया यार, प्लेन उड़ाने की सूट है क्या? नहीं नहीं ये कुछ और है. सो हमें नहीं मतलब क्या है, प्लेन तो उड़ाने वाला ऐसे भी ड्राइवर है. सो माइकल को शायद कुछ और मिलेगा, कड़क मिशन समझ सकते हो यार, उसका सूट भी थोड़ा अलग है. सो अब यहाँ से फटाफट से प्लेन उड़ा के चलते हैं और एजेंसी हेड क्वार्टर से जाना है, ठीक है. सो चलो गाइस. सो यार हमें जाना है सामने और हम पहुंच जाते हैं फटाफट से. सो गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर और मुझे नहीं पता यार बिल्डिंग पे लैंड कराना है या बगल में मुझे जाना है. सो आई थिंक मुझे यहाँ पर रोकना है प्लेन को और क्रैश होते बच गया, हुआ नहीं. सो गाइस या मुझे उतरना है यहाँ से. ओके तो भाई माइकल का ये काम है यहाँ से उतरना है और उसको किडनैप करके निकालना है यहाँ से. आई थिंक इसी किसी विंडो के अंदर वो होगा बंदा जिसे मैं निकालना है. और मुझे आई थिंक यहाँ पर तो नहीं है. सो इधर भी नहीं है. सो आई थिंक इसके अंदर है क्या? नहीं इसके अंदर भी नहीं है. सो गाइस यहाँ पर है, हाँ इधर कोई बंदे हैं. सो नहीं इधर भी नहीं है क्या? नहीं अंदर भी नहीं है. सॉरी गाइस. सो पता नहीं यार कहाँ पर है, यहाँ पे क्या कोई? यहाँ पर भी नहीं है. ओके 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 कहाँ पर हो सकता है यार? हाँ अंदर है, अंदर है. अरे भाई भाई तो इधर ही इसको टॉर्चर किया जा रहा है. मारो साले को, बहुत ही बदमाश बंदा है, मारो इसको. सब कुछ बुलवाओ यार, मैं तो चाहता हूँ इसको मारो. अपना माइकल जो है भाई ग्रैंड एंट्री करेगा. ओ भाई भाई इस गजब इसके साथ टॉर्चर हो रहा है यार. मारो और मारो साले को, और मारो, नहीं बोलेगा तो और मारो. सो मुझे अंदर आने के लिए बोल रहा है, मैं अंदर आता हूँ. यो हो ग्रैंड एंट्री. फ्रैंकलिन को स्विच करने के लिए कह रहा है मुझे. सो फ्रैंकलिन को स्विच करते, ओहो स्नाइपिंग. तो गाइस यही तो मज़ा है, मुझे सबको इधर से मारना है और जो अपना जो माइकल है वो उस बंदे को सेफ रखे हुए हैं. तब तक मैं इन सबको मारता हूँ कि माइकल निकल पाए, बाहर निकल पाए बड़े आराम से. मैं इन सबको तो मार दिया हूँ. और कोई भी? हाँ इधर एक है, ये भी गया और एक और आ रहा है. सो कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ यहाँ पर है, इसके बॉडी पे मारता हूँ. यो बड़ा स्लो मारा यार बंदा, था यार दिख नहीं रहा. चलो गाइस यहाँ से जो है अपना माइकल इस बंदे को निकाल लिया है बाहर, नहीं तो इसकी और पिटाई होती है. मुझे बोल रहा है कि मैं माइकल पर स्विच करूँ. सो गाइस मैं करता हूँ माइकल पर स्विच, इसको देख लेता हूँ. बोले ये गया, अब इसको भी मारता हूँ यार. नहीं मुझे माइकल पे स्विच करना है, इधर से नहीं मार पा रहा हूँ मैं. तो गाइस मुझे माइकल पे स्विच करना है यार, माइकल को काफ़ी गोलियाँ लग चुकी है. सो चलो गाइस यार, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है? मुझे आई थिंक मुझे, अरे यार मुझे गोलियाँ लग रही है यार. नंदे और बंदे यार, फ्रैंकलिन क्या कर रहा है भाई? मारो 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 यार. तो गाइस ये मर गए और कोई भी है क्या? आजा, कोई है तो आजा, सबको मारूंगा आज मैं. कोई है तो नहीं. अब मुझे ऊपर जाना आई थिंक. नहीं और है बंदे यार, और है बंदे भाई ऐसे. अच्छा चलो तो गाइस अब हम ऊपर जाएंगे और हमारा ड्राइवर, हमारा बंदा हमारा इंतज़ार कर रहा है और यार हमें ले चलेगा. सो यार फ्रैंकलिन को वापस स्नाइपिंग करना है. सो इसको मारते हैं हम, प्लेन वाले को आई थिंक गिराना है हमें. सो टेक द चॉपर्स, टेक डाउन द चॉपर्स. गिराओ भाई चॉपर्स को मार के. तो बंदे मुझे दिख नहीं रहे, कहाँ पे मारूँ मैं? प्लेन में तो यार सिर्फ प्लेन दिख रहा. अच्छा लगा है भाई. ओके ऐसे मारना है. सो गाइस इनको तो मैंने मार दिया,
औरों को मारना होगा। सो मुझे स्विच कर दिया मैंने ट्रैवर के ऊपर। ट्रैवर भाई प्लेन में से तो भाई धुआं हुआ निकल रहा है यार, क्रैश मैंने करा दिया था उस टाइम लैंड कराते वक्त। सो यार उसी में कहीं आगे चल के यार अपना प्लेन ना फट जाए। सो देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। उस बंदे को तो हमने निकाल लिया यहाँ से, नहीं तो उसकी काफ़ी और पिटाई होती, तो अभी उसको बहुत मारते हैं। तो अभी मैं फटाफट से माइकल पे आ गया हूँ और माइकल को मतलब चॉपर्स को गिराना है यहाँ पर। शायद जितने भी चॉपर्स आ रहे हैं इनको गिरानते रहना है मारते हुए। सो मुझे एम करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। प्लेन जो है अपना ट्रैवर अच्छे से नहीं उड़ा रहा। क्या भाई ट्रैवर यार, क्या ही गुंडा बनेगा रे तू। सो कहाँ गया चॉपर्स, कहाँ पे मुझे दिख नहीं रहे हैं। वो क्या है, वो तो काफ़ी कुछ अलग ही दूर पर है। सो एक ये चॉपर से इसको मारता हूँ फटाफट से। सो एम कहीं और जा रहा है यार, शायद किसी तरह ग्लिच होगा। कोई दिक्कत नहीं है, मारो इसको फटाफट से, टपाटप इसको देते जाओ भाई। लग जा लग जा भाई, फटने वाला है। मैंने काफ़ी इसको डैमेज दे दिया है। सो गाइस फट गया, यो फट गया। सो इसको तो हमने फोड़ दिया है और मुझे लगता है कि और भी बंदे क्या। मैं ट्रैवलर पर स्विच हो जाता हूँ। सो मुझे शायद, हाँ मुझे अपने डेस्टिनी पे लेके जाना है। इधर का तो काम हो गया, इधर तो मैंने सबको मार दिया लगभग। फ्रैंकलिन ने भी काफ़ी मदद की है, अपना माइकल भी काफ़ी मतलब स्टड पंती दिखाते हुए इसको बचा लिया, नहीं तो ये बंदा भी और पिटता। सो गाइस इसको तो हमने पिटने से बचा लिया और यार मज़ा आया यार इनको बचा कर। सो गाइस आपको कैसा लगा यार, आप बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। ओके तो गाइस ये मेरे को शुक्रिया बोल रहा है लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई जो ये बंदा जिसको मैंने बचाया, ये अमेरिका का रहने वाला बंदा है और ये है लॉस सैंटोस। सो गाइस ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ फटाफट से अपने डेस्टिनी पर और मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। सो अपना प्लेन में से काफ़ी ज़्यादा धुआं निकल रहा है और हम अपने परफेक्ट जगह पे आ चुका। अरे 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 भाई भाई, ये तो भाई पी कर गिर रहा था। सो यो हम आ चुके हैं। तो भाई ले जाओ इस बंदे को, पीटो जितना पीट सकते हो भाई, काफ़ी ये पहले से पीट चुका है। ले जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है यार। तो जल्दी से निकलो यार पहली फुर्सत में। और भाई ट्रैवर तू कैसा है भाई, अपने बारे में कुछ बता। सो गाइस इसी के साथ हमने जो है गेम की, इस मिशन की हैप्पी एंडिंग करा दी है और फटाफट से मैं आता हूँ अपनी ड्रेस चेंज करके और ये मैं आ चुका हूँ। तो चलो गाइस, ट्रैवर भी अपना बंदा जो है यहाँ से निकलता ही होगा। सो क्या बोल रहा है, यो न्यू सिटी न्यू प्रॉब्लम। चलो यार ट्रैवर का ये प्लेन था। सो गाइस प्लेन तो मैंने तोड़ दिया क्योंकि ट्रैवर को तो मैं कर रहा था कंट्रोल। भाई ये गेम यार बेस्ट है यार, तीन करेक्टर को आप एक बार में खुद से कंट्रोल कर सकते हो, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग यार। तो यार गाइस आपको कैसा लगा यार ये मिशन, मुझे तो यार बहुत ही ख़तरनाक लगा यार। स्नाइपिंग वाला यार बेस्ट था और ये माइकल का भाई सीन काफ़ी बेस्ट था। ट्रैवर तो अपना नॉर्मली प्लेन उड़ाया, बट यार काफ़ी मज़ा आया यार। आपको कैसा लगा यार ये कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को कर दो लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ ऐसी कोई दर्दनाक खतरनाक मिशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखो।